हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज एडिशन स्टोरेज सेल इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस है ना ये हमें रिप्रेजेंट करके दे रखा है हाफ सेल रिएक्शन आर ये हाफ सेल रिएक्शन भी हमें दे रखा है बच्चों एंड इसका ई नॉट दे रखा है प्लस 0.4 वोल्ट एंड हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम 1 मोल ऑफ Ni2O3 एट 298 केल्विन विल बी तो बेसिकली बच्चों हमें हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है एक एडिशन स्टोरेज सेल का एंड हमें बताना है कि एक मोल एन आई टू ओ थ्री जो है वो बेसिकली कितना वर्क डन यहाँ पे करेगा ओके सो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाई यूजिंग गिफ्ट फ्री एनर्जी गिफ्ट फ्री एनर्जी तो बेसिकली जो होता है बच्चों यहां पर गिफ्ट फ्री एनर्जी वो क्या होता है कि निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन ओके जो डेल जी होता है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन एंड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल का ये सेल रिप्रेजेंटेशन है एफ ई सॉलिड एफ ई सॉलिड से यह एफ ई सॉलिड में जा रहा है के ओ एच एक्वस एंड ये हमारा सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे गया एनआई टू ओ थ्री सॉलिड से ये एन आई के अंदर जा रहा है तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होता है बच्चों ये हम लोग रिएक्शन दिखलाते हैं एनोड पे रिप्रेजेंट करते हैं एंड यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड जो सॉल्ट ब्रिज के राइट right साइड में होते हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैथोड से कैथोड पे ये रिएक्शन होता है एंड यहाँ पे होता है रिडक्शन रिडक्शन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन लिख लें हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा सो so, कैथोड पे एट कैथोड कैथोड पे रिएक्शन होगा बच्चों एन आई टू ओ थ्री सॉलिड प्लस एच टू ओ लिक्विड प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स टू एन आई ओ सॉलिड प्लस टू ओ एच नेगेटिव एंड इसका इन हमें दे रखा है कैथोड तो uh, पे रिएक्शन एट एनोड एनोड पे क्या होगा तो एनोड पे बेसिकली होगा बच्चों ऑक्सीडेशन एंड ये जो रिएक्शन हमें गिवेन दे रखा है क्वेश्चन में ये अगर आप देखो तो ये रिडक्शन रिएक्शन दे रखा है प्लस टू से ये कहां जा रहा है जीरो पे जा रहा है तो ये बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन है तो इसका हम लोग का अपोजिट रिएक्शन यहां पे लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो वी एफ ई सॉलिड प्लस टू ओ एच नेगेटिव गिव्स एफ ई सॉलिड प्लस एंड प्लस टू इलेक्ट्रॉन ओके तो ये हमारा रिएक्शन हो गया एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड जब मैं ये दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा बच्चे तो हमें मिल जाएगा सेल रिएक्शन तो यहाँ से एच टू ओ एंड एच टू ओ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो सेल रिएक्शन आएगा ये आएगा एन आई टू ओ थ्री प्लस एफी सॉलिड प्लस टू ओ एच नेगेटिव गिव्स टू एन आई ओ प्लस टू ओ एच नेगेटिव प्लस एफ ई ओ तो बेसिकली यहाँ से हम लोग इसे भी कैंसिल कर सकते हैं बच्चों टू ओ OH ओ एच नेगेटिव एंड OH टू ओ एच नेगेटिव इसे भी कैंसिल कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये हमारा आ गया सेल रिएक्शन एंड अब हम लोग क्या करेंगे ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करेंगे ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा सो वी कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल ई नॉट ऑफ सेल हम लोग क्या लिखते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कैथोड हमारा कौन सा है निकेल ये हमारा कैथोड है Ni2O3 वाला इसका कितना पोटेंशियल दे रखा है जीरो पॉइंट फोर जीरो हमारा ये, Fe, uh, Fe वाला हमारा एनोड है बच्चों एंड इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में ये दे रखा है माइनस जीरो पॉइंट एट सेवन जीरो पॉइंट माइनस ऑफ जीरो पॉइंट एट सेवन तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो पॉइंट फोर माइनस माइनस प्लस जीरो पॉइंट एट सेवन वोल्ट सो ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास आ जाएगा टू सेवन वन पॉइंट टू सेवन वोल्ट एंड जो हमारा वर्क डन होता है वर्क डन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों माइनस डेल जी एंड दैट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल

अभी हम लोगों ने निकाला वन पॉइंट टू सेवन तो जब यहां से ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टू फोर फाइव वन वन जीरो जूल में आ जाएगा एंड जो हमारा वर्क डन आएगा अगर मैं इसे पॉइंट में, में लिखूँ तो लिख सकता हूँ टू पॉइंट फोर फाइव इन टू टेन टू दावर फाइव जूल ओके तो यहाँ से हम लोग ये आंसर कर सकते हैं एंड ये हमारा क्या हो जाएगा डन हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री में दे रखा है टू पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन टू दावर फाइव जूल सो द दोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री आई होप यू बी अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू